तो रियलमी के सर्विस सेंटर की काफी खोजबीन करने के बाद मिली है हमें। पहले बहन को जा रहे हैं हम लोग छोड़ने, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह भी है। दूसरा हेलमेट का है, दोनों हेलमेट जरूरी है चलान से बचने के लिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अरे दूसरा हेलमेट का है मम्मी, दूसरा हेलमेट। दूसरा हेलमेट अंदर ही रखा हुआ था, फटाफट चलते हैं। मौसम तो अभी काफी सुहाना हो रहा है और धूप वगैरह निकली हुई है, दिन तक देखते हैं कैसा रहता है मौसम। दन मुझे बड़ी परेशान कर रही है, उस साइड से निकाल चचा। स्विमिंग पूल मिनी लद्दाख हो रहा है। 4-5 साल से रोडे ऐसी है हमारे यहाँ की, तो पच्ची की आने वाली है और यहाँ पे मैं उतर जाऊंगा। बहन जाएगी आगे को फेंक दिया जाएगा। तो मैं यहीं पे उतर गया हूँ और भाई लोग जा रहे हैं, बहन को छोड़ने जाना है इसको अभी जॉब पे। हेलमेट जरूरी है तो हेलमेट निकाल लेते पहले। बहन को छोड़ के आ गया भाई, तो सबसे पहले करते हैं LIC जमा और उसके बाद मोबाइल के लिए वेट करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर 10 बजे खुलेगा। तेल बचा रहा है भाई अभी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतनी धूप आने के बाद भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है अभी, तो मौसम बदलने लग गया आजमानी का भी। तो अभी DC पे आ चुका हूँ और ये LIC का सेंटर है यहाँ पे। तो रियलमी के सर्विस सेंटर की काफी खोजबीन करने के बाद मिली है हमें फाइनली। और ये सिटी सेंटर का बोर्ड है और बगल में SBI बैंक है और यहाँ से ये गली जो जा रही है सामने है। तो 9:30 हो चुका है, आधा घंटा और हमको वेट करना पड़ेगा। अभी कोई आया भी नहीं है वहाँ, अभी भी 10:10 है और ये दुख खत्म नहीं होता बे। चले तो गए हम लोग, देखते हैं क्या बताते हैं। ये है भाई रियलमी सर्विस सेंटर। 25,000 रुपये का फोन और डब्बा हो गया है। हार्डवेयर पहले वो चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर का अगर इशू ना हो तो फिर उसके बाद हार्डवेयर का बता रहे हैं। डाटा इरेज वगैरह करके लाने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी नहीं देने वाले सर्विस सेंटर में। हार्डवेयर प्रॉब्लम रही तो फिर डब्बा ही फ़ोन मान के चलो यार। काफ़ी कलेक्शन करके फ़ोन लिया था, लेकिन आप देखते हैं क्या होता है। मायने रखता है 25,000 रुपये और फिर तुम पूरा अमाउंट अपना यहाँ वहाँ से जोड़ के लगा दे रहे हो और उसके बाद ढोक दो यार, तुम भी ढोक दो आज। और ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, मतलब 1-2 दिन ही हो रहा है। ये ग्रेविटी प्रॉब्लम बता रहा है, पता नहीं कैसी ग्रेविटी चाहिए इसको, देखते हैं। अभी तो वारंटी में फ़ोन है ही, लेकिन बहुत दुख हो रहा है क्योंकि 4 महीने लगभग हो रहे हैं अभी फ़ोन को लिए हुए। उन्हें सामान वगैरह ज़्यादा तो था नहीं, आटा वगैरह लेना था, थोड़ा छोटी मोटी दालें वगैरह भी तो ले लिए। घर की तरफ को चल रहे हैं हम, खा नहीं पे कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मतलब कौन से वाले से टल लें। सारे शॉर्ट पड़ते हैं हमारे उधर से जाने के लिए।